और काफ़ी रोमांटिक जगह है और लवर के लिए तो पूछिए मत। खैर हम लोग तो सिंगल हैं, पता नहीं लाइफ में कोई आएगी नहीं आएगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। हेलो दोस्तों, हाय, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, और हमारे तरफ से सारे लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम घूम रहे हैं सासाराम, जो कि तारा चांडी मंदिर जो पहाड़ी इलाका है वो आज हम घूमेंगे। और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, तो हम लोग दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ पिकनिक मनाएंगे यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हम लोग को कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नहीं है क्या है। वैसे तो मैं आ चुका हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं शूट कर ले रहा हूँ कि मैं घूम रहा हूँ तो शूट कर ही लेता हूँ। और ये देखिए पीछे का कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर साइड का, और काफ़ी अच्छा लुक है। तो वो आगे भी देखते हैं कितना मज़ा आता है। बने रहिए ब्लॉग पे। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सासाराम बिहार का जो रोहतास जिला है, पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं और पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी डिफिकल्ट है, और क्योंकि हमारे एक रवि भैया है तो मास्टरमाइंड है, मतलब बाइक चलाने में उनका जवाब ही नहीं है, तो वही आज देखिए लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को भी, और आगे का भी दिखाएंगे क्या होता है नहीं होता है। डिस्टेंस बताओ कितना ऊपर आ गए, इतना ऊपर आ चुके हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं। अभी और ऊपर जा रहे हैं, देखिए अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर साइड है, तो उधर उतना भी जाना है। और हाय बोलो भाई। हेलो एवरीवन, काफ़ी 100 मीटर ऊपर आ चुके हैं। ओह माय गॉड, वाओ। अभी कितना डिस्टेंस बाकी है भाई? बोल रहे हैं कि 100 मीटर तक मतलब ऊपर आ चुके हैं। बैक देखाओ, बैक करो। इसी समय पहुंचने वाले हैं हम लोग, तो इंतजार का घड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। रुको जरा, सबर करो। चल चूटा। ये जगह खराब है, जानते नहीं है ना, ये जानी हुई है नहीं आई। काफ़ी हम लोग अंदर आ चुके हैं, अभी देखते हैं और कितना अंदर जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी मतलब यहाँ तक लोग आए हुए हैं और काफ़ी अंदर है पहाड़ों के बीच में। और अभी आपको एक अच्छा नज़ारा लुक दिखाता हूँ, जो कि आप देखकर ये देखिए कि टेम्पू इधर ला दे रहा है, जो कि नहीं चढ़ने लायक है। ये देखिए वो पागल गाड़ी लगा दिया है यहाँ पर। एक देखिए गाड़ी लगा के पता नहीं कहाँ चला गया है, और आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये भाई, और काफ़ी पैसेंजर को उतार कर यहाँ पर पार कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोग भी रुके पड़े हैं कि कब उधर से आ जाएँ तो हम लोग जाएँ। Oh my।
ये देखिए कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है। क्या खूबसूरत नजारा है, क्या है ये कुछ लोग पता नहीं के कहाँ ले लो हम निकल जगह ठीक रहे। कौन पिकनिक बनाओ तो सब चलो करे भी जहाँ क्या क्या कुछ बाहो फाइनली पहुँच गए हैं ऐसा लगता है हम लोगों को। बट यहाँ पर काफ़ी गाड़ी दिख रही है खड़ी, तो हम लोगों को भी लग रहा है कि काफी पहुंच गए। पानी में डालने पर फूल जाता है पौधा, यही है बेस्ट है। सही में हकीकत पानी डालने तो हरियर हरियर। तो मतलब पहाड़ों पर कुछ ऐसा ऐसा बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक चीज़ है कि जो कि हम लोगों को शहरों में नहीं मिलता है देखने को। और एक बार आइए घूमिए बिहार, बिहार इज़ द बेस्ट पैलेस। अब तो मैं तो बहुत घूम चुका बट मेरे को अभी तक बिहार ही अच्छा लगता है यार। आप लोग बोलोगे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक चीज़ है जो कि हम लोगों को सिटी में नहीं देखने को मिलता है, और आने के बाद काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम लोग। तो आप भी आइए एक बार घूमिए और देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। और हम लोग का ये बिहार में बिना रोड के पहाड़ पर चली जाती है, बिना और पीछे से भाई बताए बिना रोड का पहाड़ पर चली जाती है। और सच में देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे गाड़ी कितनी लगी पड़ी है, कोई रोड नहीं है भाई, कोई रोड नहीं है। और हमारे बिहार के जो ड्राइवर होते हैं ना बहुत टैलेंटेड होते हैं। ठीक आता हूँ भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आपको दिखाएंगे वो जो कुंड बता रहे थे, कौन सा कुंड था भाई, मैजर कुंड था ना? हाँ मैजर कुंड, मैजर कुंड था जो कि आपको अभी दिखाने वाले हैं। ब्लॉग पे बने रहिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहते हैं हम। तो चलिए फाइनली चलते हैं। और रवि भी कहाँ रह गए? रवि भी इधर क्या कहाँ है, बोलेंगे छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए यार? दोस्तों कुछ खा लेते हैं पहले, भूख लगा है भाई बोल रहे हैं, उसके बाद घूमेंगे तो कुछ खा ही लेते हैं, भूख लग ही गया है। ये हमारे हाय गाइस, पहाड़ों में ड्राइव गजब करते हैं, मज़ा आ जाता है। और कुछ तो दोस्तों फोटो उटो हो गया, और उस टाइम बोले थे कि समोसा खाने जा रहे हैं बट नहीं खाए, पहले सोचे कि फोटो हो जाए, तो फोटो उटो हो गया और भाई ने बहुत अच्छा फोटो खींचा, मज़ा आ गया। मिलेगा आपको एंड में देखने को फोटो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, डिक्की खोल के उसके बाद समोसा निकालेंगे, उसके बाद समोसा खाएंगे और आगे चलेंगे, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत भूख लग गया है तो कुछ खा लेते हैं। फुट गुजरा पिछावेला ना लावेला तारा दोस्तों देखिए समोसा निकाल रहे हैं और समोसा लगाएंगे। ये देखिए भाई समोसा निकाल रहे हैं और दिया है मौत जल्दी और ये को दोना ले लिए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को बनाने नहीं आता है और यहाँ पर पहाड़ों पर आएंगे तो अनकंफर्टेबल फील होता है जैसे बनाने में और खाने में, तो हम लोग डाइट पैक करा लिया। और वैसे भी फर्स्ट डे है तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हम लोग समोसा ही ले लिए और समोसा खाएंगे। क्या लोग बता ये भाई नहीं क्या समोसा खोल दे बहुत तेज हवा आ रहा है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, बहुत तेज हवा आ रहा है ना भाई साहब। भाई इसी में तो मज़ा आता है, थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक होता है ना बड़े मज़ा आता है इसमें, हर चीज़ अच्छा से करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना भाई। तो फिर आइए खाते हैं, आप चलिए खाते हैं और खाने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बन रही है ब्लॉग पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है,
और काफ़ी इंजॉय किए, फोटो वोटो हुआ, मज़ा आ गया बिल्कुल भी। और फर्स्ट डे का आज पूरा फुल है कि आप लोग एक बार आ जाइएगा तो बार बार एंटरटेनमेंट करने का मन करेगा। आज सही बोल रहे हैं, ये जो है हर चीज़ को एंटरटेन बना देते हैं हमारे के गार्जियन सीनियर रवि भाई। बोलिए भाई कुछ दो सब इनके लिए लाइक सीनियर। चलिए चलते हैं, देखिए नीचे किस तरह का नजारा है और चलते हैं और भी दूसरे जगह का आनंद उठाया जाए। हाँ चलिए आइए, बैक कैमरा से थोड़ा दिखा दीजिए हमारे और चलते हैं नीचे की ओर और फिर मजा लेते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम में हूँ बट अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पर उतरने में, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना डिफिकल्ट है। कोशिश करते हैं, ये उतर चुके हैं हम। और तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे दोस्त लोग काफ़ी पिकनिक मना रहे हैं और यहाँ पर आके इस तरह के से इंजॉय कर सकते हैं आप भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त है और यहाँ का जो पहाड़ी का बैकग्राउंड है ना, फोटो लेने में क्या बताऊँ, मज़ा आ जा रहा है। आपको फोटो देखने को मिलेगा लास्ट में, वीडियो को पूरा देखिएगा और फोटो इतना अच्छा अच्छा आया हुआ है, मैं लास्ट में लगा दूँगा फोटो। अरे मर दे जो, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। वाओ सो गुड, वाओ क्या नज़ारा है। अब बता दूँ चलिए, वाह हमारे भाई लोग अभी फोटो ले रहे हैं, देखिए ये देखिए ये देखिए, घूम लिए और आई होप आप लोग भी अच्छा से देख लिए होंगे। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं पहाड़ों से और सब जाए के रास्ता दिखावत रही है, हम भुला गए भाई, मेरे भाई बोल रहे हैं कि भूल गए हैं रास्ता, इतना नहीं घूम लिए हैं ना, इतना घूम लिए हैं ना कि रास्ता कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन किससे आए थे नहीं आए थे। आप लोग भी देख सकते हैं आश्चर्यजनक है, आगे का सीन दिखा दो और टिकॉक दिखा हुआ, ये देखिए कुछ आगे रहता है। तो काफ़ी इंजॉय हुआ और हम लोग का अभी जाने का समय हो गया है, वो जा रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। लौटने का जाने का तो जितना आने में दिक्कत हुआ था उतना जाने में भी होगा, दिक्कत क्या मतलब मज़ा ही आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से जा चुके हैं, हमारे भाई का भी चैनल है जो कि रास्ता है बहुत बिहार ट्रैक के नाम से है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है और काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता है, ये देखिए अब लोग कंटिन्यू करते हैं, तब तक यहाँ पर भी रुकना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बट कोई नहीं, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो भैया लोग हमने कब तक घूम लेने जा, देखिए जिसको बिहारी आता होगा वो लाइक करेगा, जिसको नहीं आता हो वो ज़्यादा लाइक करेगा। तो देखिए अभी हमने के घूम लेने जा, आप जाते जा घर, बहुत मज़ा आई। अभी हमारे यहाँ भाई भी कैमरा शूट कर रहे हैं, देखिए ये सब देख लो भाई, बिहार में ऐसा सीन, बिहार में ऐसा ऐसा सीन, बाकी सब लोग सोचे ला कि आके घूमें और आके घूमें, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ का जो एंजॉय हो रहा है फ्रेंड्स, वाह तो देखो जो भाई देखा है ना, नीचे का दृश्य पहाड़ को काट कर बनाया गया है, ये भी ऐसा कलाकारी है जो कि बिहार में इससे ही जा सकते हैं। और ये
ओह माय गॉड, रास्ता कुछ नहीं कि यहाँ पर हम लोग को चलने मुश्किल हो जा रहा है, बट यहाँ पर मोबाइल हम लोग पकड़े हैं। आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट कंडीशन है अभी, और काफ़ी यहाँ पर जाम लग चुका है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा, फ्रेंड्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए बस एक सब्सक्राइबर बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। काफ़ी खतरनाक जगह है, मोबाइल ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि मोबाइल छूट जाएगा, बट कोई नहीं, आपको पूरा दिखाएंगे। हाँ तो छूट जाएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये मेरा मोबाइल नहीं है, चलिए ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे जगह। अब देर हो गई, और ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी पार्टी मिल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। काफ़ी देख सकते हैं आप जिस प्रकार का नज़ारा है, और हम लोग फाइनली गए आ चुके हैं। बस